परमेश्वर के लोगों सबको जय मसीह की। और आज मैं एक जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ कि मसीह विरोधी ने हमारे ऊपर जोधपुर हाई कोर्ट में केस फाइल किया है और उन्होंने केस लगाया है चर्च के ऊपर भी और मेरे बेटे के ऊपर प्रोफेसर सुमनदीप के ऊपर भी केस लगाया है। और माननीय हाई कोर्ट ने जो जोधपुर है राजस्थान की, उन्होंने 4 हफ्ते में हमसे जवाब मांगा है। सो आप लोगों से मैं इसलिए लाइव होकर ये बात करना चाह रहा हूँ कि आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें विजय देवे। आप जानते हैं कि बहुत से मसीह विरोधी हैं जो चर्च पर, परमेश्वर के दास लोगों पर हमेशा विरोध करते आए हैं और विरोध करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर मसीह जी ने कहा मेरे नाम के कारण दूसरे लोग तुमसे बैर रखेंगे। तो इस कारण से हम लोगों ने इस बुधवार को सब कलीसिया के लोगों को उपवास रखने के लिए कहा है। और आपसे भी, जो भी हमारी ऑनलाइन चर्च है, जो भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन सब से मैं कहना चाहता हूं कि आप भी इस बुधवार को उपवास रखें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें विजय दे। और जो धर्मांतरण के, धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाते हैं, उनसे हमें परमेश्वर बाहर निकालें। आपको मालूम है एस्तर के समय में भी, जब परमेश्वर के लोगों के खिलाफ ऑर्डर निकल चुका था, उस समय उन्होंने उपवास रखे थे और परमेश्वर ने सब कुछ पलट कर रख दिया था। पत्रस भी जब जेल में बंद था तो कलीसिया उसके लिए लोल लगाकर प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने बड़ा वहाँ चिन्ह और चमत्कार को प्रकट किया और पत्रस को वहाँ से बाहर निकाला। तो इस समय हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है, उपवास की जरूरत है। और आप हमारे इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर मैसेज करके, हम लोग फ़ोन नहीं अटेंड कर पाते, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। और जो भी अगर आप कोई मैसेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके संग रहे।